सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो से लोग काफी आहत नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को शुक्रवार को निलंबित भी कर दिया गया। आपको बता दें कि ये वीडियो दिल्ली के इंद्रलोक इलाके का है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को लात मारते हुए नजर आ रहा है। वहीं पुलिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर कई लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तभी एक पुलिसकर्मी उन्हें लात मारकर उठाने लगता है। उस वक्त वहां मौजूद कुछ लोग पुलिसकर्मी से बहस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके के मेट्रो स्टेशन के पास लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ ही घंटों के बाद पुलिस आयुक्त M.K. मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उपनिरीक्षक SI मनोज कुमार तोमर को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज नजर आ रही है। विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। वहीं इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं। वीडियो सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल V News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।